हेलो नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और आज मैं अपने प्लांट्स की सारी सफाई कर रही हूँ, वही मैंने किचन में रख रखे हैं। मैं इनको किचन में ही साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बाथरूम में बहुत गंदा हो जाता है, तो किचन में खड़े खड़े भी हो जाता है और आसानी से सफाई भी हो जाती है। यहाँ पर मैं मनी प्लांट की सफाई कर रही हूँ जो फ्रिज पे रहता है। ये बॉटल है, इसको मैंने खुद ही बनाया था कलर करके। और मनी प्लांट की जड़ों को मैं हफ्ते 10 दिन में साफ़ कर देती हूँ। जो नीचे के अंदर की सड़ जाती हैं उनको निकाल के साफ़ कर दो एक्स्ट्रा, तो वो अच्छे से ग्रो करता है। मैं उनको साफ़ कर लूँगी अच्छे से। और इस वाले जार को भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। घर के अंदर प्लांट बहुत अच्छे लगते हैं, एकदम मन खुश रहता है उनको देख के। मैंने इसको अच्छे से साफ कर लिया है। अब मैं इसमें ये मार्बल डाल दूंगी, इसे ये टिका रहता है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। मुझे तो घर के अंदर भी प्लांट बहुत अच्छे लगते हैं, मन एकदम शांत रहता है उनको देख के, बहुत खुशी मिलती है। ये वाली बोतल भी मैंने खुद ही घर पे बनाई थी, कांच की बोतल है, उसको मैंने खुद ही घर पे तैयार किया था, बहुत सुंदर लगती है। और इस पर गोल्डन कलर किया था, ये भी फ्लावर वॉश करके बहुत अच्छे लग रहे थे, एकदम साफ साफ। और ये वाला सेंटर टेबल पे रहता है। ये डॉल है, इसकी गर्दन हिलती रहती है, पंखा चलता है तो भी इसकी गर्दन हिलती है, बहुत सुंदर लगती है ये देखने में। और इनको मैं ट्रे में डाल के अरेंज करके रखती हूँ, तो एक ही जगह सारा सामान रहता है, सफाई करने में भी परेशानी नहीं आती है। पूरी ट्रे को आप हटा के सफाई कर सकते हो एक ही बारी में। इसको भी मैं अपनी जगह पे रख दूंगी साफ करके भी अच्छे से। और ये एक फेरी लाइट है, ये लगा के तो बहुत ही सुंदर लगता है ये वाला कॉर्नर। मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। आज रात के खाने में मैंने कद्दू की सब्जी बनाई थी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप इस तरह से बनाएंगे तो बार बार कद्दू खाएंगे, इतना टेस्टी होता है ये। इसमें कुछ भी मसाले नहीं जाते हैं, खाली अदरक लहसुन का पेस्ट जाता है बस, और कुछ भी नहीं डालेंगे हम इसमें। मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है, सरसों का तेल थोड़ा ज़्यादा करके लेंगे इसमें। और जीरा डाल दिया था मैंने अभी, थोड़ी सी राई डालूंगी मैं इसमें, और बिल्कुल थोड़ा सा हींग। अब मैं इसमें अदरक लहसुन जो मैंने कूट के रखा था उसको डाल दूंगी, वो भी हम थोड़ा ज़्यादा करके लेंगे, क्योंकि हम इसका ही छौंक लगाएंगे, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इससे। जब अदरक लहसुन अच्छे से भुन जाए तब उसमें कद्दू डाल देंगे। मैंने उसको थोड़ा बारीक करके काटा है ताकि जल्दी से गल जाए वो। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसमें एक चम्मच हल्दी डालूंगी मैं, और थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि पहले हरी मिर्ची डाली है इसमें,
और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अब मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है तकरीबन 1.5 चम्मच और 1 चम्मच जीरा पाउडर। अब मैं इसे भी अच्छे से मिला लूँगी। कद्दू बनाते समय बस एक ही बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कद्दू पानी ना छोड़े, तो हमें इसे बीच बीच में हिलाते रहेंगे। हम कद्दू को तेज आंच पर ही पकाएंगे। और मैंने सोचा जब तक सब्जी बन रही है तो जो बर्तन बाकी थे उनको धो लेती हूँ, तो वही सब चल रहा है बीच में, थोड़े से बर्तन थे। आजकल तो गर्मी भी बहुत हो गई, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, क्या करें, लेकिन फिर भी किचन में काम तो करना ही पड़ता है। ये शाम की चाय के बर्तन थे, मैंने सोचा अभी साफ कर लेती हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादातर साथ साथ में ही कर लेती हूँ, लेकिन आज रह गए थे। आजकल हमने योगा भी शुरू कर दिया है, पहले तो बंद था लेकिन अभी थोड़ा अच्छा है माहौल, तो सब बोल रही थी कि कर लेते हैं, तो वही शाम को जाते हैं हम सब, छत पे ही करते हैं। देखिए कद्दू सॉफ्ट हो चुका है, अब मैं इसमें थोड़ा सा टेस्ट के लिए अमचूर डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो मैं वही इशारा करके बता रही हूँ कि किसी को बताना नहीं और चुपचाप से डाल देना। अब मैं इसमें थोड़ा सा घी डालूंगी, देसी घी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी तो किसी से रहा नहीं जा रहा था, हस्बैंड आए बीच में, कहते मैं थोड़ा सा टेस्ट करके देखता हूँ कि कैसा बना है, वही लेके जा रहे हैं कटोरी में। अब मैंने सब्जी को दूसरी गैस पे करके रोटियां बनानी शुरू कर दी हैं। आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक शेयर भी करना। एक बार आप भी घर पे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा इस तरह से कद्दू कैसा बनता है। और हम कल मिलेंगे एक और अच्छी वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।